संख्या में आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं के हमारे पास एक लंबी सूची नहीं आ रही है आईडियो ये तुम्हारा ऑडियो हमेशा गड़बड़ रहता है। एक ही चैनल है जिसका ऑडियो गड़बड़ है। मैं सबसे पहले हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व सांसद राकेश पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मुझे खुशी है कि इनके साथ साथ इनके बड़ी संख्या में साथी सहयोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक श्रीमती माधुरी वर्मा जी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। पूर्व विधायक एमएलसी आदरणीय श्रीमती कांति सिंह भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। पूर्व विधायक प्रतापगढ़ से ब्रजेश मिश्रा जी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व में रहे प्रत्याशी गजराज नागर जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। किशन लाल जाटव जी, ओम बीर मंडार जी, बेजराम गुजर जी, के उपाध्याय जी, रामवीर करदम जी और बहुजन समाज पार्टी से रही प्रत्याशी श्रीमती सैयदा खातून भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जफर अहमद साहब, मुजीब अहमद जी, अनीस मंसूरी जी जो पहले भी समाजवादी पार्टी में रहे, मंत्री का दर्जा रहा इन पर और फिर पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इनका बहुत बहुत बधाई। इनके सभी साथी सहयोगियों का बहुत बहुत बधाई। फरजुद्दीन किदवई साहब बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित आज समाजवादी पार्टी में शामिल है, मैं इनका स्वागत करता हूँ। मुसीफ मुसाफिर चौहान जी, समरनाथ जी और हमारे महेंद्र निषाद जी और इनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। देश बचाओ पार्टी का आज समर्थन मिला है, उनके साथी लोग समाजवादी पार्टी में हैं। बीरबल सिंह कश्यप जी, विशाल जनता पार्टी, इनका भी सहयोग मिला है, समर्थन मिला और बड़ी संख्या में इनके साथ साथ अखंड जलवंशी सेवा संस्थान जो अपने समाज में बड़ी संख्या में लोग हैं और अपने समाज में लगातार जगाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और अपने समाज को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज उनका सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या नाम है? गोविंद निषाद जी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि नाम बहुत हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं जो हॉल के बाहर है, हॉल में नहीं आ पाए। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि इस समय जब समाजवादी पार्टी संघर्ष में उनका साथ और सहयोग मिल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव होगा। मैं तारिक किदवई साहब का नाम भूल गया था।